हे गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप लोग सब्सक्राइबर्स गेमर्स में। सो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला कैसे अपने पोजावलॉन्चर या फिर अपने माइनक्राफ्ट जावा एडिशन एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं हीरोब्राइन का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उन्होंने इस वाले वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइवल वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी गेम प्ले दिखा देता हूँ। इस वर्ल्ड में जो ये हमारा हीरोब्राइन का वर्ल्ड में एक छोटी सी आप एक गेम प्ले देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक विलेज में है और एक्चुअली हीरोब्राइन की जो स्पॉन रेट है वो विलेज में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक विलेज में हूँ। और एक्चुअली जो हीरोब्राइन है ना वो रात को ज़्यादा स्पॉन होता है। वैसे तो ऐसे भी कभी भी स्पॉन हो जाता है लेकिन रात में ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब रात हो चुकी है और हीरोब्राइन आसपास ही मिल गया। गाइस हमें हीरोब्राइन दिख चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हमें हीरोब्राइन यहाँ पर, उसके आँख जो है वो अभी जो है वो रिफ्लेक्ट हो, यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी आंखें चमक रही है अभी यहाँ पर। ये देखिए कोई गड्ढे में गिर गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये हीरोब्राइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है इस तरीके से। इसे मतलब कि मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसे मारने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लाइंडनेस का ये इफेक्ट दे देगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सो ब्लाइंडनेस का इफेक्ट तो इसका थोड़ा देर के बाद गायब हो जाता है, लेकिन हीरोब्राइन भी थोड़ा देर के बाद वापस से आ जाएगा। आपको थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हीरोब्राइन हमें वापस से यहाँ पर मिल चुका है और अब मैं इसके पास बिल्कुल नहीं जाने वाला भाई, वरना मतलब कि वापस से ब्लाइंडनेस का जो इफेक्ट है वो दे देगा, वापस से गायब हो जाएगा। बहुत देर के बाद मिला है मुझे। तो अब मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सही लग रहा है हीरोब्राइन, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। वैसे पता नहीं अभी कहाँ गया, वापस से गायब हो गया। आप इसके पास जैसे ही जाते हैं ना तो ये गायब हो जाता है। सो अगर आपको ये वाली जो मॉड है इसे डाउनलोड करना है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी की गेम प्ले और भी बहुत सारे फीचर्स जो इस वर्ल्ड में है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आया, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी मीडिया फायर की, आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है इस फाइल का। उसके बाद आपको सिंपली अपने जिला अचीवर के डाउनलोड फोल्डर में ये वाली फाइल जो है आपको मिल जाएगी। सो अब आपको इस जो मॉड इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, कट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन ऊपर मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको फाइल लिस्ट में जाना है, फाइल लिस्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल्स का, इसे आपको इनेबल कर लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना है। इसे इनेबल करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको जो आपने जो अपना फाइल जो कट किया है उसे वैसी का वैसी रहने देना। आपको सबसे पहले आपको डिवाइस मेमोरी में जाना है। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद आपको एक फोल्डर सर्च करना है जिसका नाम है गेम्स। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर मेरा फोल्डर मिल चुका है गेम्स का, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पोजावलॉन्चर का एक फोल्डर मिलेगा, या फिर पोजावलॉन्चर की जगह आपको डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना है, डॉट माइनक्राफ्ट के अंडर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है मॉड्स। उस मॉड्स के फोल्डर में जाके आपको अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो मॉड्स का फोल्डर है यहीं पर है, मैं इसके अंदर चले आता हूँ, उसके उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अपना पेस्ट कीजिएगा, आपके सारे मॉड्स जो है वो सब कुछ मतलब कि इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको सिंपली अपना जो पोजावलॉन्चर है वो ओपन कर लेना है। पोजावलॉन्चर ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपना वर्जन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग का वर्जन यूज़ होने वाला है 1.16.4, उसका फोर्ज वर्जन जो है हम लोग का यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है, मतलब कि उसी में हम लोग ये गेम खेल सकते हैं, मतलब कि हमारा जो वर्ल्ड है ये खेल सकते हैं। तो आप फोर्ज इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली अपना मॉड इंस्टॉल करके आप उसे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अपने गेम को आप पूरी तरीके से ओपन होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो गेम है वो ओपन हो चुका है। एज़ यूजुअल आपको अपना सिंगल प्लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चीट्स ऑन रख लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से सब कुछ दिखा सकूँ। और यहाँ पर मैं अपना वर्ल्ड का नाम हीरोब्राइन रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो वर्ल्ड का नेम है वो लिख चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका वर्ल्ड जो है क्रिएट होने लगेगा। तो इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है।
तो अब हमारा वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ल्ड में हम लोग का एक ऐसा पोजीशन भी है जहाँ पर हीरोब्राइन रहता है, जहाँ पर सारे ट्रीज रहते हैं लेकिन उसमें एक भी लीव नहीं रहता है। तो उस वर्ल्ड को थोड़ा ढूंढना पड़ता है, उस वाले लोकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक विलेज मिल चुका है। सो वो वाली जो मुझे फॉरेस्ट तो मुझे मिली नहीं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विलेज में भी स्पॉन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो रात को ही स्पॉन होता है। तो यहाँ पर हम लोग रात हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरोब्राइन हमारे ठीक सामने है। और ये देख सकते हैं, अरे भाई साहब ये विलेजर मतलब कि उसे डर ही नहीं लगता हीरोब्राइन से, उसे कोई दिक्कत नहीं कि हीरोब्राइन है कि नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर मुझे वापस से ब्लाइंडनेस की मतलब कि इफेक्ट दे चुका है, मैंने उससे हिट किया था तो ये वापस से गायब हो चुका है, लेकिन ये फ्यू मिनट्स के बाद फिर से अपने आप स्पॉन हो जाता है। तो यहीं कहीं पर ढूंढने से आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वापस से मिल चुका है, यहाँ पर उसके आँख मतलब कि उसके आइज़ की शाइनिंग से ही मुझे पता चल जाती कि यहीं पर है। तो आप यहाँ से इसे वापस से छिड़कानी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, उन्हें वापस से आपको ब्लाइंडनेस की इफेक्ट दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देख ही सकते कि आपको बहुत आसानी से इधर उधर स्पॉन मिल जाता है, बस अगर आप उससे पंगे ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। अरे भाई साहब मैं उसके पास ही गया, उसने मुझे ब्लाइंडनेस की इफेक्ट दी थी। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हमें वापस से वो गायब हो चुका है बस। तो अब मैं आपको इसकी एक और लास्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ इस हीरोब्राइन वर्ल्ड की। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक्सपेक्टेटर मोड में हूँ। यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, ये टनल जहाँ पर रेडस्टोन टॉर्चेस लगे हुए हैं। तो ये हीरोब्राइन की एक और प्रेजेंस है जो इस हीरोब्राइन ने ही बनाया है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ है इसमें एक्सप्लोर करने की, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही मिली है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।